म्यूजिक मेरे लिए ऐसा ही है कि जिस तरह सांस रोक दी जाए उस तरह इंसान मर जाएगा, संगीत अगर नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा। आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना। मेरा कमाले फन तो बस इतना है जिगर, वो मुझ पे छा गया, मैं जमाने पे छा गया। क्या बात, दोस्तों नमस्कार। टीवी वन इंडिया के इस खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान है मशहूर गजल गायक मोहम्मद वकील साहब। आप नए दौर के ऐसे फनकार हैं जिनकी गायकी में रूहदारी और रागदारी दोनों झलकती है। आपकी रूहानी आवाज जो है आजकल पूरे देश में मशहूर है। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनके रूहानी गायकी के बारे में, इनके नए कामकाज के बारे में और संगीत की दुनिया में इनकी उपलब्धियों के बारे में, इनकी नई प्लानिंग के बारे में। मोहम्मद वकील साहब का बहुत बहुत स्वागत है टीवी ऑन इंडिया में। सुधीर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे याद किया, और टीवी वन इंडिया के जितने दर्शक हैं उनको बहुत बहुत मेरा आदाब नमस्कार। सुधीर जी खुद एक शख्सियत हैं, प्रोग्राम में याद किया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है सबसे रूबरू होने में। अच्छा, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आप राजस्थान में पैदा हुए और जैसी जानकारी है कि आप 8 साल की उम्र से ही आपने सिंगिंग शुरू कर दी थी, कैसा रहा सफ़र यहाँ तक पहुँचने में? सर, मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि जहाँ मेरी पैदाइश हुई वो एक ऐसी जगह है जहाँ सुरों की इबादत होती चली आ रही है। हाँ। ये 6ठी पीढ़ी है। मेरे दादाजी, मेरे नानाजी बहुत ही बड़े संगीतज्ञ थे। मेरे जो दादाजी थे उस्ताद मोहम्मद इस्माइल साहब, मेरे नानाजी उस्ताद अफजल हुसैन जयपुर वाले, और जिनसे मुझे मौसीकी की म्यूज़िक की तालीम मिली और मिल रही है, वो भी बहुत बड़े फ़नकार हैं, विश्वविख्यात गज़ल सिंगर उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब। तो बचपन से वातावरण जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा संगीत का था, और मैंने आँखें खोली उसी माहौल में जहाँ संगीत होता था। तो उसका ये मुझ पर प्रभाव पड़ा कि बचपन से ही मुझे शौक था, और मुझे याद है कि मैं जब काफ़ी छोटा था तो पहली बार मैंने एक म्यूज़िकल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, और वो कॉम्पिटिशन आज भी होता है। एक चाइल्ड आर्टिस्ट थे जो बहुत ही कम उम्र में गुजर गए थे, उनका नाम था मदन मोहन। अच्छा, तो हाँ, मास्टर मदन, सॉरी, तो मास्टर मदन साहब की याद में एक प्रोग्राम होता है सुर संगम। अच्छा, तो मैंने उस वक्त पार्टिसिपेट किया और मेरी शुरुआत बचपन से हुई। लेकिन देखिए सुधीर जी, हर काम को सीखना पड़ता है। जैसे आज आप इस मकाम पे हैं तो आप काफ़ी तजुर्बे के साथ हैं, तो वैसे ही मैंने अपने उस्तादों से बचपन से संगीत की तालीम ली और आज भी ले रहा हूँ, क्योंकि संगीत एक ऐसे सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है जिसमें कोई भी आदमी अपने आप को ये नहीं कह सकता मैं सीख गया, जिंदगी भर आदमी सीखता रहता है। तो मुझे तालीम बचपन से अभी तक मिल रही है, और मैंने बचपन से शुरू किया था गाना। लेकिन मुझे याद है कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव जब आया कि जब मैंने पहली बार सारेगामा में पार्टिसिपेट किया और उसका पहले फाइनल जीता, और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा एक था कॉम्पिटिशन जो था मेगा फाइनल, और गजेंद्र सिंह साहब जो सारेगामा डायरेक्टर थे, उन्होंने एक ही स्टेज पर जिन लोगों को एक साथ बुलाया, उन लोगों को जिनको बुलाना मुश्किल है, और अब काफ़ी लोग दुनिया में नहीं हैं, और ऐसी जजेस जो पैनल है जजेस की वो नहीं आ सकती, नौशाद साहब, खयाम साहब, नैयर साहब, कल्याण जी, आनंद जी भाई, जगजीत सिंह साहब, पंडित जसराज जी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, परवीन सुल्ताना जी, ये सब हमारे जज थे जिन्होंने मुझे फर्स्ट अवार्ड दिया। तो ये मेरा सफ़र इस तरह शुरू हुआ। आप अगर जो आपके हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पर ध्यान देते हैं तो जो आपके अंकल हैं हुसैन ब्रदर्स, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, कैसे तालीम मिली उनसे, और किस तरह के वो गायकी को आगे बढ़ाना चाहते थे जो आप आगे बढ़ा रहे हैं? मुझे याद है सुधीर जी कि जब मैं काफ़ी छोटा था, क्योंकि छोटा बच्चा होता नीडर, को डर नहीं होता उसमें, तो वो अपने किसी शागिर्द को एक कंपोजिशन उन्होंने याद कराई। मैं एक रूम में बैठा हुआ था, तो शागिर्द को कहा, याद हो गई उस्ताद मैं कल सुना दूंगा, ठीक है। अब मुझे तो पता नहीं था क्या होता है, मुझे याद हो गई, और मैं ऐसे थोड़ी देर 1-2 घंटे बाद गुनगुनाने लगा, तो उस्ताद ने सुन लिया और कुछ बोला नहीं। लेकिन नेक्स्ट डे जब वो शागिर्द आया तो उनसे कहा कि हाँ भाई सुनाओ, कि उस्ताद जी मुझे भी याद नहीं हुई, बोले मुझसे बोले तुम सुनाओ, तो मैंने सुना दी। तो उन्होंने कहा कि देखो, इसको कहते हैं शौक, यानी इसको सिखाया नहीं था बिल्कुल, लेकिन इसको शौक है इसलिए कहा। तो मुझे बचपन से इंटरेस्ट था, फिर मैंने उस्ताद जी से कहा कि उस्ताद जी शौकिया गाना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन सीख के गाना एक अलग चीज़ होती है। तो वो तालीम देखिए, क्योंकि संगीत एक ऐसा महासागर है कि मियां तानसेन उनके बादशाह अकबर ने जिद की कि आज ये बताओ कि आपको कितना संगीत मालूम है, क्योंकि जब आप राग दीपक गाते हो तो दिए जल उठते हैं, और जब मियां मल्हार गाते हो
तो बारिश होती है, तो उन्होंने कहा उस्ताद ऐसा मत पूछिए, उन्होंने बताओ। तो उन्होंने कहा चलिए नाव में सफ़र किया और एक उंगली डुबोई पानी में और जैसी एक बूंद निकली तो बोले ये जो बूंद गिरी है इतना तो संगीत मालूम है, समंदर बाकी है। तो संगीत ऐसी चीज़ है, आज जिंदगी भर सीखना है इसको। आपका जो नया एल्बम आया है नजराना जी, मैंने उसमें देखा आपने प्रतिभा सिंह बघेल के साथ गजब की आपने गायकी की है, कुछ बताइए किस तरह से उस एल्बम की तैयारी हुई और जो अभी रिस्पांस मिल रहा है लाखों लोगों ने अभी तक उसको देखा है। जी जी सर, मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि क्योंकि उस सारेगामा की पैनल में जग्गी सिंह साहब थे। हाँ, बिल्कुल, हाँ। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की बताते हुए लोगों को होती है कि मैं जगजीत जी के साथ बहुत रहा हूँ। मतलब एक बार उन्होंने मुझे ये इतना बड़ा काम कर दिया मेरे लिए, उनके म्यूजिक डायरेक्शन में भी गाया मैंने, राज बब्बर साहब का एक सीरियल था महाराज रणजीत सिंह, उसके अलावा आगरा में जो सारेगामा का मिलेनियम स्पेशल था वहाँ हमने केसरिया बादम गाया, उसके अलावा राजकोट में भी एक ही महफिल में हमने गाया। लेकिन क्योंकि जगजीत जी इतना प्यार करते, इतना आशीर्वाद देते थे, एक राजस्थानी अंथम गाया था उनके साथ साथ, तो बहुत उनके जाने के बाद मन एकदम उदास था। उनकी जो यादें थी, उनके साथ जो वक्त गुजारा है, उनके लिए एक शेर पढ़ना चाहूँगा मैं कि खुद को यूँ ख़त्म करके एक मैखार मुस्कुराता है और पीता है जैसे हिंदुस्तान का फनकार अपने मरने के बाद जीता है। क्या तो जगजीत जी की उस याद को ताज़ा करने के लिए हमने 8 फरवरी को उनकी बर्थडे थी, हमने एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया पहले से और प्रतिभा सिंह शी इज़ वेरी गुड सिंगर उनसे बात की और उन्होंने इस बात को तैयार हो गई वो और हमने इस गाने को उसी जगजीत जी की याद में रिलीज़ किया और बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। यस यस, आपने फिल्मों में भी प्लेबैक किया है और वीर जारा में आपने शायद कवाली गाई है आपने। जी जी जी, कैसा रहा वीर जारा का सफ़र, उसके बाद फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग का कैसा ऑफर रहा आपको? सर देखिए, वीर जारा का आपके दो क्वेश्चन है, पहला ही वीर जारा का सफ़र कैसा। हाँ यस, हाँ तो यश चोपड़ा जी के बैनर में गाना हर आदमी का एक सपना होता है, अचीवमेंट होती है बिल्कुल। और वो इतने अच्छे इंसान थे, इतने डाउन टू अर्थ थे कि उनके बंगलों पे हमने रिहर्सल की, मेरे उस्ताद जी ने हमने और हम तीनों ने गाया इसको, और उनके बंगलों पे रिहर्सल में हमने ये देखा कि वो बोले हाँ बहुत अच्छा गाते हैं बट मेरा सीन थोड़ा सुन लीजिए वो कैसा है। ऐसा नहीं कि आप ये गा रहे हैं तो मुझे ये फीलिंग दूसरी चाहिए, जब सीन समझाया तो फीलिंग दूसरी हो गई। फिर उसके अलावा मुझे आज भी याद है कि जब रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी थी तो जो CEO थे मदन मोहन साहब के बेटे हमारे संजीव कोहली साहब, उन्होंने यश जी को फ़ोन किया, यश जी आप आ जाइए। तो यश जी आए, तकरीबन 3 से 4 बजे का टाइम था और हमेशा आपने देखा होगा सुधीर जी के जो बॉस होता है ना उसकी एक आदत होती ये मंगाओ ये कर दो वो कर दो, लेकिन नहीं, उन्होंने बड़े ही प्यार भरे अंदाज में संजीव जी को कहा संजीव मुझे बहुत भूख लगी है प्लीज़ कुछ मंगाओ ना मेरे लिए। तो मैं गदगद हो गया कि बड़े लोगों की बड़ी बातें, तो उनके लिए हमने गाया, जावेद साहब ने लिखा है, शाहरुख खान साहब के लिए गाना तो बहुत बड़ी बात है, वो कव्वाली बहुत ही दिल के नज़दीक है। और उसके अलावा मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि खयाम साहब ने हमें एक सीरियल में गवाया था अलका याग्निक जी के साथ, बिखरी आस निखरी प्रीत के लिए। अच्छा, मतलब अभी देखें एक चीज़ तो फिल्मी गानों की अपेक्षा जो गज़ल गायकी है वो बहुत ही चैलेंजिंग है जी, और आपकी गजल जैसे मैं अभी आज सुन रहा था तो उसमें एक चीज़ जो मुझे नज़र आई जो रूहदारी होती है, जो राग के साथ रूह को भी मिला लेना, ये आपकी गायकी में एक तरह से झलकती दिखती है, कितना चैलेंजिंग है इस दोनों को एक साथ जोड़ कर गाना? सर देखिए, मुझे तो जैसा मैंने बताया गाने का शौक़ बचपन से है और शायरी का भी है, लेकिन मैं शायर तो हूँ नहीं, तो मैंने गज़ल गायकी को इसलिए चुना ताकि मेरे दोनों शौक़ गायकी और शायरी दोनों गज़ल गायकी में होते हैं। लेकिन सर मैं आपको बताऊं, मैंने एक शो किया था किसी एक चैनल के लिए 5 साल गज़ल का, और उस गज़ल के शो में मैंने देखा कि इस गज़ल को वो ही गा सकता है जिसने संगीत सीखा है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी जो शास्त्रीयता जो आपने सीखा है वो आपको गज़ल गाना है तो उसमें आपको पहले आलाप भी करना पड़ेगा, फिर उसको वेरिएशंस भी करने पड़ेंगे, उसको शब्दों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो वो चीज़ गायकी आपको गाना सीखने के बाद ही आ सकती है। जहाँ तक रूहदारी की बात है जो सोलफुल कहते हैं जिसको हम लोग, सर देखिए सुर ऊपर वाले की तरफ से मिलता है और उसके बाद एक बड़ी बात होती है कि रूहदारी यानी तासीर, वो गाना जो आपके दिल पे असर करे उसको रूहदारी कहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिगर मुरादाबादी का शेर मुझे याद आता है कि मेरा कमाल फन तो बस इतना है जिगर, मेरा कमाल फन
तो बस इतना है जिगर, वो मुझ पे छा गया, मैं जमाने पे छा गया। क्या बात। तो ये उस्तादों का आशीर्वाद है, माँ की दुआ है और सुनने वालों का प्यार है कि मेरे संगीत को लोग पसंद करते हैं। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जब मैं सारेगामा में था तो कई लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ाया मेरे लिए कि मैं जीत जाऊँ। अच्छा। और कई लोगों ने नमाज पढ़ी है। अच्छा। तो मुझे बड़ा अच्छा वो याद आता है कि राम राजस्थानी साहब की चार लाइनें हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं कि हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे। हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे। शंख बजे भाईचारे का, अमन की एक अजान रखेंगे। काबा और काशी भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। क्या बात है, क्या बात है। आपने गायकी की बात की कि बहुत सारे लोगों ने आपको अप्रिसिएट किया। अगर गौर करें तो बहुत बड़े बड़े जो हिंदुस्तान के संगीतकार रहे हैं, जैसे आपने नाम लिया खय्याम साहब का, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया साहब और तमाम लोगों ने, पंकज उदास जी ने आपके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि आप नए दौर के गजल के भविष्य हैं। सर ये पंकज जी का बड़प्पन है, और पंकज जी के अलावा जितने लोगों ने मेरे बारे में जो बोला है ये उन लोगों का बड़प्पन है। मेरे अंदर ऐसा भी मैं कुछ देखता नहीं हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि अपना संगीत रोज मैं अच्छा करूँ, और बाकी बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। जितने हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, चाहे वो पंकज जी हों, अनूप जी हों, तरत अजीत साहब हों, चाहे कोई भी लोग हों, वो सब लोग हमारे गुलाम अली साहब, इन सब लोगों ने जो बोला है ये उनकी महानता है, और अपने जूनियर्स को हौसला अफजाई देने के लिए उनके लफ्ज़ हैं। तो मैं समझता हूँ कि बस ये उनका बहुत बड़ा प्यार है। आपने गुलाम अली साहब का नाम ले लिया, मैं एक्चुअली सवाल पूछना चाहता था। एक दौर था जो हिंदुस्तान का जी, आप आज़ादी के बाद से देखेंगे, जो हम लोग दौर देख रहे हैं, वे फिलहाल जो सुनते आ रहे हैं, बड़े बड़े गजलकार हुए, जगजीत सिंह साहब हुए, भूपेंद्र सिंह हुए, मिताली सिंह हुए, आपके गुलाम अली साहब हुए जी। लेकिन आज का अगर दौर देखें तो फिल्मों का जोर ज़्यादा चल रहा है, और गजल गायकी जो, या क्लासिकल जो अगर कहें गायकी, उसके तरफ रुझान कम हुआ है। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप तो उसी विश्व में काम कर रहे हैं? सर देखिए, ये कहना कम हुआ कि रुझान कम हुआ है, जिन लोगों को इस फील्ड में आना है, जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। रहा सवाल फिल्म म्यूज़िक में गज़ल का सवाल, तो मुझे इस चीज़ का दुख होता है कि फिल्म म्यूज़िक में गज़ल क्यों नहीं आती। बिल्कुल। जबकि हाँ। गज़ल तो हर इंसान को पसंद आती है। बिल्कुल। चाहे वो यूथ हो या कोई भी आदमी हो, हर वर्ग उसको पसंद करता है। हाँ। लेकिन मैं दरख्वास्त करूँगा अपने उन लोगों से जो म्यूज़िक कंपोज करते हैं कि आप प्लीज़ अच्छे शब्दों के साथ अगर फिल्मों में गज़ल इस्तेमाल करेंगे, लोग फिर से सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। अब उमराव जान सारी गज़लों पर हिट हुई फिल्में, और आज भी लोगों के जहन में एक फिल्म थी बाजार। अच्छा। उस बाजार फिल्म में एक भी गीत नहीं था, सारी गजलें ही गजलें थी। अच्छा। जो पहली इकलौती फिल्म थी बाजार। ओके ठीक है। सर कभी अभी जैसे मैंने आपको कहा कि आपका बीच में नजराना आया, उसके बाद अभी नई कोई प्लानिंग है क्या नए कुछ एल्बम के बारे में? ऑलरेडी ये तो बहुत मशहूर हो रहा है जो आपका नजराना है, वाकई है संगीत प्रेमियों के लिए बहुत बड़ा नजराना है। थैंक यू सर। ये इस नव दौर में नया कुछ क्या अभी होने वाला है, आने वाले समय में क्या प्लानिंग है? जी जी, मैंने अभी एक सॉन्ग किया है, उसका नाम है लापिला। अच्छा। तो एक मैकशी का एक गाना है लापिला, आज अभी साकी, तो वो गाना भी थोड़े दिन में रिलीज़ होने वाला है, वो सुनिएगा। उसके अलावा एक बहुत ही जुदाई का गाना है, वो रिलीज़ किया है, और फ्यूचर में मैं कुछ सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग भी गा रहा हूँ, और गज़ल के अलावा गीत भी गा रहा हूँ। तो जितने मेरे सुनने वाले हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ मुझे प्लीज़ फॉलो करते रहें, मेरे संगीत को आप पसंद करते हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है, क्योंकि सुनने वालों से ही संगीत और कलाकार जिंदा है। बिल्कुल। तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखें। आपके आदर्श कौन हैं इस गायकी के क्षेत्र में? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने उस्ताद को मानता हूँ, जिनसे मैं सीखता हूँ। उनके अलावा अगर मैं बात अहमद हुसैन साहब, मोहम्मद हुसैन साहब जी जी, उस्ताद अहमद हुसैन साहब, और उनके अलावा मैं जो क्लासिकल संगीत जिनका मैं सुनता रहता हूँ, उनमें उस्ताद अमीर खान साहब, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, पंडित जसराज जी, और अगर फिल्म अगर गज़ल की बात करें तो जग्गी सिंह साहब, गुलाम अली साहब को, हरी रणजीत, तरत अजीत साहब, इन सबको सुनता हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा जो प्लेबैक सिंगिंग में जो फनकार जिनको सुन सुन के गाना शुरू किया है संगीत फिल्मी, उनमें रफ़ी साहब, लता जी, आशा जी, इनका मैं सब बहुत बड़ा दीवाना हूँ। और आज के दौर में अरिजीत सिंह साहब बहुत अच्छे हैं, जावेद अली। अब आप एक फनकार हैं, अगर मैं आपको ये ना कहूं कि आप कुछ गा के सुना है तो ये मुझे लगता है हमारे दर्शकों के साथ नाइंसाफी होगी। मैं चाहूंगा कि जो आपका फेवरेट है, मुझे नजराना बहुत पसंद आया, अगर आप सुना सकें तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे दर्शकों के लिए। दर्शक तो नजराना सुनेंगे हाँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग नजराना के अलावा, मैंने फिल्म में वीर ज़ारा में गाया था वो दो लाइनें।
जो बंदिशें थी जमाने की तोड़ाया हूँ मैं तेरे वास्ते दुनिया को छोड़ाया हूँ आया तेरे दर पर दीवाना आया तेरे दर पर दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना आया तेरे दर पर दीवाना यह तेरा ही सौदाई यह तेरा ही शैदाई तेरे इश्क में है इसे मर जाना आया तेरे दर पर दीवाना बहुत बहुत सर गजल गायकी को अगर देखें तो क्लासिकल जो म्यूजिक है उसका आधार है एक तरह की न्यू है अगर गजल गायकी को देखें नए जो फनकार आ रहे हैं जो नए संगीत से जुड़ने वाले या जो गजल से जुड़ना चाहते हैं उन्हें आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अगर इससे जुड़ते हैं तो गजल गायकी को आप नया मुकाम दे सकते हैं। देखिए गजल गायकी सुगम संगीत में आती है जो श्रेणी उसकी और सुगम संगीत यानी कि शब्द प्रधान इसमें इम्पोर्टेंस है शब्दों की तो गजल गाने के लिए जाहिर सी बात है जो शायर ने लिखा है उस चीज़ को अपने को बयान करना है अपनी फीलिंग के जरिए और क्योंकि गजल जैसा मैंने कहा गजल गाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा तो उस्ताद अमीर खान साहब ने किसी अपने जूनियर आर्टिस्ट से पूछा कि भैया रियाज कैसा चल रहा है तो उन्होंने जवाब दिया कि थोड़ा बहुत तो उन्होंने जवाब दिया कि म्यूज़िक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत करो तो थोड़ा सा आता है वैसे तो ये गाना है सीख के करो सीखो तो गाना है और अगर ना सीखो तो गा ना अच्छा तो इसलिए ज़रूरी है आने वालों से मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपने गुरु से ईमानदारी से सीखें और ऐसा नहीं कि दो दिन या चार महीने या थोड़े टाइम सीखा और फिर खुद ही गुरु हुए अपने गुरु के प्रति वफादार बने और कड़ी मेहनत करें उस्ताद कहें कि आप गाओ तभी गाएं और इस चीज़ पे फोकस ना करें कि भाई हमारा नाम नहीं हो रहा या आप अगर अच्छा संगीत सीखेंगे तो आपको नाम होना है। अब जो भी आजकल तमाम चैनलों पर रियलिटी शो आ रहे हैं म्यूजिकल शो आ रहे हैं जी आप भी खुद वहाँ से सारेगामा से आप आपको नया मुकाम मिला नई पहचान मिली है जी इस रियलिटी शो को आप नए कलाकारों के लिए कितना इम्पोर्टेंट मान रहे हैं। देखिए जहाँ तक ये होता है कि जो डिज़र्व करते हैं कलाकार वो आगे आते हैं और उनको एक अच्छा मंच मिलता है वहाँ तक थोड़ी एक चीज़ की तकलीफ होती है वो ये कि हमारे हम लोग सभी भावुक हैं हमारे देश की जनता भावुक है आप भी हम सभी भावुक हैं तो हम क्या करते हैं कि एक चीज़ होती है कि कभी भी कोई अपने घर की बात बाहर नहीं करता अगर कोई घर में प्रॉब्लम है तो वो सोचता है कि मेरे घर की प्रॉब्लम घर में रहे बाहर ना आए लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे घर में रोटी नहीं है मेरी माँ चावल मांगती है या तो वो एक अजीब सी चीज़ लगती है कि आपको अगर ऐसा कोई इंसान नहीं है सुधीर जी जिसने ज़िंदगी में तकलीफ ना उठाई चाहे वो अमिताभ बच्चन साहब हों चाहे वो जगजीत सिंह साहब हों दिलीप कुमार साहब कोई भी हर आदमी स्ट्रगल किया है लेकिन उन्होंने कभी बाहर नहीं बोला तो सिंपैथी वोट पाने की जगह इंसान ड्रामा कम करे और गाने पर ज़रा ध्यान दे और पब्लिक वोटिंग नहीं होनी चाहिए अगर जजेस को ये राइट मिले कि आप ही को चुनना है कौन सही है कौन गलत वो ज़रूरी है। बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात कही कि ये जो वोटिंग का सिलसिला है उसमें वो एक रियल कलाकार को जिसका वोटिंग का कोई सोर्स नहीं है जो नहीं ज़्यादा उसको तवज्जो दी जा रही है वो निश्चित तौर पर पीछे रह जाता है और जिनकी वोटिंग ज़्यादा होती है ये कई लोगों ने इस बात को और भी कहा था आपने बहुत सही बात की। एक चीज़ थोड़ा सा आपके फैमिली के बारे में हम जानना चाहेंगे कि अक्सर क्या होता है कि हर घर परिवार के लोग चाहते हैं कि उनके घर का जो बेटा है वो कमाऊ बने कुछ नौकरी धंधे में जाए म्यूजिक में जाना संघर्ष ज़्यादा है और लंबा वक्त लगता है इसमें नाम और पहचान बनाने के लिए आपको घर का सपोर्ट किस तरह से मिला? देखिए घर का सपोर्ट मुझे बहुत मिला मेरे जो गुरुजी हैं उन्होंने मुझे पाला है मेरी परवरिश मेरे उस्तादों के घर पे हुई उस्ताद अहमद हुसैन मोहसिन साहब ने मुझे पाला है तो मुझे सपोर्ट तो उनके घर पे ये मिला कि मुझे वहाँ परवरिश हुई लेकिन जहाँ स्ट्रगल की बात आती है तो उन्होंने कहा कि बेटा अगर आप मेहनत करोगे तो समझ में आएगा दुनिया क्या है तो इसलिए मैंने जो मेहनत की है वो ये की है कि मैंने फाइव स्टार होटल्स में गाया है
और उसके अलावा कई बार ऐसा होता था कि मुझे रोड पे चलने के पैसे नहीं होते थे, मैं आधा रास्ता चलता था उसके बाद फिर बस में बैठता था। पर एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पैर में एक बहुत बड़ा ज़ख्म था और मुझे उस कंडीशन में चलने में मुश्किल होती थी, लेकिन मुझे ऑल इंडिया रेडियो जयपुर से, क्योंकि मैं अप्रूव्ड ए ग्रेड आर्टिस्ट हूँ, तो वहाँ पर मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया और मैं बड़ी तकलीफ़ में वहाँ पहुँचा। और अनफॉर्चुनेटली एक भाई साहब थे जिन्होंने मुझे फेल कर दिया। अच्छा, उस कंडीशन में जब मुझे चलना मुश्किल था और फेल किया और कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी, तो वो सब चीज़ें बड़ी तकलीफ दे थी, और लेकिन वो चीज़ें आपको मजबूत बनाती हैं। मजबूत बना बड़ा अच्छा वो किसी का कहता है कि दोस्त तो अच्छा किया तुमने सहारा ना दिया, दोस्त तो अच्छा किया तुमने सहारा ना दिया, मुझको लग्जिश की ज़रूरत थी संभलने के लिए, रास्ता रोकने वालों तुम्हें मालूम नहीं तुमने पैगाम दिया है मुझे चलने के लिए। क्या तो क्या होता है कि आप जब लोग आपको उस तकलीफ के वक्त पे अगर परेशान करते हैं, आपको तोड़ते हैं, तो उससे आप मजबूत बनते हैं। और स्ट्रगल तो देखिए ज़िंदगी भर होता है, कलाकार स्ट्रगल करता ही है। मुझे याद भी है कि सारेगामा के फ़ौरन बाद मेरा बॉम्बे में एक एक्सीडेंट हुआ था, पैर में फ्रैक्चर था और पहले कच्चा प्लास्टर पर जैसे पक्का बंधा तो डॉक्टर ने कहा था कि रेस्ट करो। लेकिन मुझे याद है कि मुझे कलकत्ता में अपना फर्स्ट म्यूजिक वीडियो शूट करना था और जयपुर से दिल्ली बाई रोड उस कंडीशन में प्लास्टर की हालत में, और उसके बाद फिर राजधानी पकड़ के दिल्ली कलकत्ता पहुँचना और मैं शूट करना। तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, अभी भी मेहनत करता हूँ, और मेहनत तो इंसान को करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। 3-4 सवाल आपके पर्सनल है, जैसे फायर राउंड है, जैसे एक लाइन दो लाइन में जवाब आपको देने हैं। आपको गुस्सा कब आता है? जब कोई सामने से कुछ और मिलता है और पीछे से कुछ और मिलता है। आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है? खुशी जब होती है कि जब मेरे उस्ताद मुझसे कहते हैं कि हाँ तुमने अच्छा गाया। तो परिवार का महत्व कितना आपके लिए है? सर देखिए, परिवार ही है सब कुछ है इंसान का, बगैर कुछ भी नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारा परिवार, क्योंकि उनसे ही हमारी पहचान है। म्यूजिक आपके लिए क्या है, खासकर गजल? म्यूजिक मेरे लिए ऐसा ही है कि जिस तरह सांस रोक दी जाए उससे इंसान मर जाएगा, संगीत अगर नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा। अगर एक दिन के लिए आपको राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? अगर मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री बना तो मैं ये कोशिश करूंगा कि जितने भी उस स्टेट में गरीब लोग हैं जिनके पास सर छुपाने को छत नहीं है या वो बाहर तकलीफ में है, उनको जितनी हेल्प हो सके मेरे जरिए। क्योंकि एक शेर है कि ऐसे लोगों को फरिश्तों के सलाम आते हैं जो बुरे वक्त में इंसान के काम आते हैं। बहुत फायर राउंड का आखिरी सवाल, अगर ऊपर वाला आपके सामने प्रकट हो जाए और बोले कि मोहम्मद वकील साहब क्या मांगना चाहेंगे, तो आप एक चीज़ क्या मांगेंगे? मैं मांगूंगा कि मेरी माँ की लंबी उम्र हो। बहुत खूब, फायर राउंड खत्म हो गया है। आपसे आखिरी सवाल, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन लोगों को जो बिल्कुल नए हैं और जो संगीत से जुड़ना चाहते हैं? मेरा उनसे यही निवेदन है, यही गुजारिश है कि प्लीज़ आप अपने उस्ताद से बहुत ही वफादारी ईमानदारी के साथ सीखें, क्योंकि गुरु होता है, ये संस्कृत का शब्द है गुरु, अंधेरा दूर करने वाला। तो आपकी ज़िंदगी से अंधेरा दूर होता है जब आप सीखते हैं, आपको नाम होता है। तो अपने गुरु के प्रति वफादार बने, उनसे ईमानदारी से सीखें और कड़ी मेहनत करें, क्योंकि मेहनत कभी भी आपकी बेकार नहीं जाती, ज़ाया नहीं जाती है, मेहनत ज़रूर रंग लाती है। कि वो शेर है कि कुछ लोगों ने तदबीर से किस्मत संभाल ली, कुछ लोगों ने कर्मों से किस्मत संवार ली, कुछ ज्योतिषों को हाथ दिखाने में रह गए, तो मेहनत लगे। एक आखिरी सवाल जो बच गया था, आपको तमाम पुरस्कार भी मिले हैं आपकी गायकी के लिए, वो कुछ थोड़ा सा आप बताना चाहें तो जरूर बताएं। देखिए, पुरस्कार मुझे जो जो मिले हैं, सारेगामा का मेगा फाइनल विनर, उसके अलावा राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, राइजिंग स्टार, आरडी बर्मन पंचम सम्मान, ऐसे कई अवार्ड्स हैं, राजस्थान रत्न है। लेकिन अवार्ड मिलने का मतलब होता है कि आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको और अच्छा करना है। और अच्छा कर, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब सुधीर जी का, जिन्होंने इस बेहद खूबसूरत प्रोग्राम फेस टू फेस TV1 इंडिया के प्रोग्राम में मुझे याद किया। एक शेर है कि मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात हो। मैं इस बातचीत का जो सुखद समापन है, मैं चाहता हूं कि आपकी किसी गायकी से हो। केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश, ओ पधारो मारे देश, केसरिया बालम
आबोनी पधारो मारे देश। वाह क्या बात, पधारो मारे देश, ये आवाज थी मोहम्मद वकील साहब की। गाने में सुना है कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है गर याद रहे। उम्मीद है मोहम्मद वकील साहब की आवाज आपके दिलों में, आपकी रूह तक जाकर आपको हमेशा याद रखेगी और संगीत के लिए प्रेरित करती रहेगी। आज की बातचीत में बस इतना, अगली बार हम फिर किसी नई शख्सियत से दोबारा आपसे रूबरू कराएंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा, टीवी वन इंडिया। नमस्कार।